हेलो गाइस, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है स्टेरॉइड्स के ऊपर। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको स्टेरॉइड का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस इसको यूज़ करते हुए लेने हैं, और क्या आपको जिम जाने के लिए और मसल बिल्डिंग के लिए क्या आपको स्टेरॉइड की ज़रूरत है या नहीं है। तो मैं आज इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। तो स्टेरॉइड दो तरह के होते हैं, एक तो वो स्टेरॉइड जिनको डॉक्टर्स किसी बीमारी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि जिनको बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसका यूज़ डॉक्टर जो करते हैं वो होता है अगर आपको कोई स्किन डिसीज़ है उसमें इसका यूज़ किया जाता है, आपको अगर आर्थराइटिस है या आपको कहीं पर इन्फ्लेमेशन है तो उन चीज़ों के लिए डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। और दूसरे होते हैं एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, जिनका यूज़ जो होता है वो मसल बिल्डिंग के लिए, अगर आपको बॉडी में वीकनेस है तो डॉक्टर्स आपको ये ड्रग यूज़ करने की सलाह देते हैं। अदरवाइज अब इसमें क्या होने लगा है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को बेसिकली एथलीट्स या कोई भी प्रोफेशनल खिलाड़ी अपने परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए आजकल यूज़ करने लगा है। तो स्टेरॉइड्स को यूज़ करने से क्या उनको उसका बेनिफिट मिलता है? हाँ, उसका बेनिफिट मिलता है उनको, और उनका जो परफॉर्मेंस है वो एनहेंस होता है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है उसको यूज़ करने से। तो क्या बॉडी बिल्डिंग के अंदर इसका यूज़ हमको करना चाहिए, मसल बिल्डिंग के लिए क्या इसका यूज़ हमको करना चाहिए? देखो, अगर आप स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं तो अगर आप प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वो भी इसको यूज़ करने के लिए आप डॉक्टर की सलाह लें या बहुत अच्छे किसी ट्रेनर को हायर करें जिसकी गाइडेंस में आप ये सब चीज़ें यूज़ करें, वरना आजकल क्या होने लगा है कि जो यूथ है हमारा वो इंटरनेट पे गूगल पे सब चीज़ें सर्च करता है और ख़ुद से ही अपना कोच बन के ये सब चीज़ें यूज़ करने लगता है। तो ना तो उनको इन चीज़ों को लेने का कोई नॉलेज होता है, ना उनको एक्सपीरियंस है कि इनको यूज़ करके आप क्या क्या इनके फ़ायदे हैं, नुकसान आपको क्या क्या हो सकते हैं। तो पहली बात तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ अगर आप ना ही करें तो बेहतर है, लेकिन अगर आपको किसी स्पोर्ट्स में जाना है तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो बॉडी बिल्डिंग करने के लिए आपको एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग अगर आपको करनी है तो इसका यूज़ आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में करना है। इसको लेने का सही तरीका होता है, इसके प्रॉपर साइकिल्स होते हैं आपको कैसे इसको यूज़ करना है। अभी आजकल क्या देखा जा रहा है जिम के अंदर कि जो भी लड़का जिम के अंदर आता है एक छोटा सा फ़ोटोशूट कराना होता है उसको, या एक अच्छी फिजिक किसी फंक्शन में जाने के लिए, कहीं दिखाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए फिजिक अचीव करनी होती है, तो उसके लिए भी लड़के स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं, और ये बहुत गलत बात है। स्टेरॉइड्स के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और आप जो जिस तरह से प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं आप उस तरह से इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर क्या होता है वो पूरी साल अपना डाइट मेंटेन करता है, ठीक है। और जो बॉडी बिल्डिंग करने वाला बंदा होगा अगर वो इसका यूज़ करता है तो उनको एक या दो साल ट्रेनिंग करते हुए नहीं होते हैं, 10-10 साल ट्रेनिंग करते हुए हो जाते हैं, तब वो इन चीज़ों का यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको अच्छी फिजिक अचीव करनी है तो स्टेरॉइड्स का यूज़ आप बिल्कुल भी ना करें। इसके साइड इफ़ेक्ट जितना आपको इसका इफ़ेक्ट मिलेगा साइड इफ़ेक्ट उससे इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो आपका इसमें लीवर डैमेज हो सकता है, आपका किडनी डैमेज हो सकता है, आपको जो आपका सेक्सुअल जो आपकी लाइफ है वो इसमें सफ़र कर सकती है। तो बहुत चीज़ साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है और इफ़ेक्ट इसके बहुत कम है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आप इसका यूज़ करें, और वो भी बहुत अच्छे गाइडेंस के अंदर करें। तो अभी आजकल क्या होने लगा, जिम के अंदर लड़का जाते हैं उसको एक अच्छी फिजिक एकदम कहता है, जिम के अंदर जाकर के ट्रेनर से बोलेगा कि भैया मुझे 3 महीने के अंदर बॉडी बनाओ, मेरे घर में फंक्शन है या मुझे कॉलेज जाना है, जो भी उसका कोई गोल होता है। तो ट्रेनर उसको ये समझाने की जगह भी भाई बॉडी बनाने के लिए तुमको समय देना पड़ेगा, अच्छे डाइट अच्छे वर्कआउट रूटीन फॉलो करने पड़ेंगे ये नहीं बताएंगे, उनको क्या करेंगे सीधा एक पहले थोड़ा सप्लीमेंट देंगे कि भाई तुम ये सप्लीमेंट यूज़ करो, वे प्रोटीन लो, आप प्री वर्कआउट लो और आप क्रिएटिन लो, 10 चीज़ें उनको रिकमेंड करेंगे, बट इनसे एकदम से रिजल्ट नहीं आएगा। तो लड़का 1-2 महीने बाद बोलेगा आपसे कि भाई भैया रिजल्ट तो इससे आई नहीं हमको, तो फिर वो क्या करेंगे, भाई एक काम करो तुम थोड़ा साइकिल स्टार्ट कर लो तो उससे तुम्हें रिजल्ट आएंगे और साइड इफेक्ट कुछ भी इसका नहीं होगा। ऐसे क्या करके बच्चों को गुमराह कर देते हैं। तो लड़का पैसे लाता है कहीं से भी करके, उसे 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बेचते हैं, तो उससे क्या आ करके लड़का ये चीज़ें यूज़ करता है तो उसको उसकी मसल बिल्ट होती है, ऐसा नहीं है नहीं होता, मसल भी बिल्ट होती है, थोड़ा उसका साइज बढ़ जाता है, उसको जो भी गोल होता है वो उसको अचीव कर भी लेता है। 2-3-4-5 महीने तक अगर उसका रेगुलर साइकिल चलता है तो लड़का मसल बिल्ट भी होता है, या उसकी बॉडी कोई फैटी है तो उसकी बॉडी रिप्ड भी हो जाती है, उसके एब्स भी दिखने शुरू हो जाते हैं। बट जैसे ही वो एनाबॉलिक्स का जो यूज़ है वो बंद करता है, बंद करने के बाद एकदम से क्या होता है उसका जो मसल होता है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पहले थे वो उससे भी डाउन जाते हैं। तो उसको जो बेनिफिट मिले हैं उसके बेनिफिट से ज़्यादा उसको नेगेटिव इफेक्ट उसके दिखने शुरू होते हैं, वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है।
उसको लगता है कि मेरा जो मसल है वो कम होने लगा है, तो उसको 10 लोग बोलते हैं कि भाई तू इतना तगड़ा था और अभी तो इतना हल्का हो गया है, तो उसको क्या होता है कि उसको वापस से वो सब चीज़ें यूज़ करने का फिर से वो होता है, वो अपने ट्रेनर के पास जाता है कि भैया मेरी साइकिल दोबारा से स्टार्ट करा दो। तो उसको इस चीज़ों का एक पूरा जो जाल होता है वो उसमें फंस जाता है, वो पहले साइकिल करेगा, उसके बाद में वो ऑफ साइकिल जाते उसकी बॉडी डाउन होगी तो उसका वो वर्कआउट भी नहीं कर पाएगा ठीक से, फिर उसका मन करेगा, तो इस एक साइकिल में फंस जाता है लड़का और फिर इसको छोड़ना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 10 लोग तारीफ करते हैं उसकी आदत पड़ जाती है लड़कों को, तो साइकिल एक साइकिल दो साइकिल लड़के लगातार ये सब चीज़ें लेते हैं और अननेसेसरी यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका ना अगर गेम में आपको नहीं खेलना है तो क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को यूज़ करने की। तो पहली बात तो है कि स्टेरॉइड का यूज़ अगर आपको करना चाहिए नहीं, तो स्टेरॉइड का यूज़ अगर आपको करना है, अगर आपको केवल अच्छी फिजिक अचीव करनी है तो आप बिल्कुल भी इसका यूज़ ना करें, क्योंकि अच्छी फिजिक आप 2-3 साल लगातार वर्कआउट करेंगे, अच्छा डाइट लेंगे तो एक अच्छी फिजिक आप अचीव कर सकते हैं, तो जो हर किसी का बस की नहीं है, क्योंकि डाइट पूरी साल डाइट पे रहना और पूरा साल वर्कआउट रेगुलर रखना वो हर कोई नहीं कर सकता, तो आप एक अच्छी फिजिक ये सब करके अचीव कर लेंगे। और सप्लीमेंट भी आजकल जो सेफ है और बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स भी आते हैं, सप्लीमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट नहीं होते, बट हाँ रिजल्ट थोड़ा स्लो होता है तो लड़के सप्लीमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अच्छा सप्लीमेंटेशन अच्छा न्यूट्रिशन आपका अच्छा गेन कर सकता है। तो अगर आपको स्टेरॉइड का यूज़ अगर बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल लेवल पे आपको करनी है तो अच्छे सुपरविजन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत हिसाब किताब होता है इसका, पूरा लेने का तरीका होता है, उस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर बॉडी बिल्डिंग आपको स्टेज पे परफॉर्मेंस देना है कोई जा करके, क्योंकि परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स है, आपको परफॉर्मेंस कहीं देना कि परफॉर्मेंस डेवलप होगा, अगर पावर लिफ्टिंग आप करते हैं बॉडी बिल्डिंग करते हैं अगर किसी स्पोर्ट्स में आप जिसमें कि इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है तो आप यूज़ करें, वो भी अच्छे सुपरविजन में, अदरवाइज इसका यूज़ करना आपके लिए बिल्कुल बेकार है, कोई फ़ायदा इसका नहीं है, अच्छी बॉडी बनाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, उसके जगह आप अच्छी बॉडी बनाने के लिए अपने अंदर के ऑर्गन्स का नुकसान कर लेंगे और वो बिल्कुल बेकार है। और अब है इसका यूज़ करने के लिए प्रिकॉशन आपको क्या करें, अगर आप फिर भी इसका यूज़ करते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और इसका यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रिकॉशन सबसे नंबर वन पे क्या आता है, सबसे पहले आपको अपना बॉडी का एक जनरल रूटीन चेकअप जो होता है आपका लीवर किडनी आपके हॉर्मोन्स लेवल आपका जो ओवरऑल बॉडी का चेकअप होता है आपको वो ज़रूर कराना है। तो आपको अपने अंदर के ऑर्गन्स का मालूम पहले होना चाहिए कि वो हेल्दी हैं, इन चीज़ों को मतलब इन चीज़ों को अगर ये चीज़ें डालते हैं तो वो इन चीज़ों से ज़्यादा डैमेज तो नहीं हो जाएंगे या इनको उस लायक हैवी कि इनका यूज़ आप कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो अपना जनरल रूटीन चेकअप बहुत ज़रूरी है कराना, ट्रेनर्स ये सब नहीं कराते हैं, और लड़का भी क्या करता है एक रूटीन चेकअप कराने के लिए उसके 3-4 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं, लड़का क्या सोचता है कि यार 3-4 हज़ार रुपये क्यों खर्च करूँ मैं, तो वो भी कहता है भैया छोड़ो ना, मुझसे भी जितने बहुत लड़के आते हैं गेम वाले हैं, बट मैं तो लड़कों को बिल्कुल साफ मना कर देता हूँ कि इसके आगे साइकिल उनका नहीं जाएगा, अगर आप रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं लेकर के आओगे, बट बहुत लड़के कहते हैं इस बात को कि भैया नहीं इतना पैसे क्यों मेरे खर्च करा रहे हो, सीधा साइकिल ही दे देना जो भी आपका वो बैठेगा, बट रूटीन चेकअप जरूर होगा, लड़कों की भी कमी होती है, ट्रेनर अगर बोलता भी लड़के पैसे बचाने के चक्कर में साइकिल पर खर्च कर लेंगे 10-15-20 हज़ार रुपये पर 3-4 हज़ार रुपये में चेकअप में खर्च नहीं करेंगे। तो चेकअप करना बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी का, जब भी आपको पता होगी आपके अंदर के ऑर्गन्स का क्या हाल है, आप ये चीज़ यूज़ कर सकते भी हैं नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रॉपर इसका एक प्रॉपर साइकिल होता है, आप जो जब जैसे डोज स्टार्ट करते हैं तो हल्की डोज से स्टार्ट करें, एकदम से ज़्यादा डोज ना लें, और बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप जितने ज़्यादा सॉल्ट यूज़ करेंगे उतना आपको रिजल्ट अच्छा आएगा, आप जितने कम से कम यूज़ हो सके उतना कम से कम यूज़ करें, मिनिमम डोज से स्टार्ट करें, गेम जब आपका पास आता है तब आप उसकी डोज थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और जब उसको बंद करेंगे तो धीरे धीरे ही बंद करेंगे, एकदम से सडनली इसको बंद नहीं करना होता है। और तीसरी चीज़ आपको PCT जरूर करनी है, बहुत लोग क्या करते हैं साइकिल बंद होने के बाद में फिर अपना PCT नहीं करते हैं, तो PCT ना करने से भी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनको जो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो आपके डाउन हो जाते हैं आपकी बॉडी शट डाउन कर देती है, उनको अगर आपको रीजनरेट करना है तो उनको दोबारा से टेस्टोस्टेरोन अगर बाहर से आपने लेना बंद कर दिया बॉडी के अंदर वो नहीं बन रही है अंदर, तो आपको उसके लिए बॉडी को सिग्नल पहुंचाना होता है, वो काम PCT करती है, आपको PCT जरूर करनी है अपने साइकिल के बाद में, जो भी डिज़ाइन होगा आपका साइकिल उसके बाद में जो PCT का टाइम होगा आपको उस टाइम पर PCT अपनी स्टार्ट करनी है, और साइकिल के हिसाब से जो भी आपका साइकिल उस हिसाब से आपको अपनी PCT डिज़ाइन करा करके वो ज़रूर फॉलो करना है। और लड़के क्या करते हैं PCT करने के बाद में, लड़कों को क्या लगता है PCT का मतलब होता है बॉडी वॉश हो गई, बॉडी से सब कुछ निकल गया, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बॉडी से आपका जो PCT का मतलब बॉडी से वॉश हो जाए बहुत, उसका नाम ही वॉश आउट बनाया होगा, वॉश आउट कर लेंगे बॉडी, और फिर PCT करने के बाद में तुरंत से वापस से साइकिल स्टार्ट कर देते हैं। तो पहली बात तो PCT का मतलब वॉश आउट नहीं होता है,
PCT का मतलब है कि साइकिल थेरेपी। तो इसकी बॉडी इसमें इससे केवल आपकी बॉडी को एक सिग्नल मिलेगा कि आपको बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेवल मिलना बंद हो गया, तो आपको अपनी बॉडी के अंदर वापस से उसको बनाना स्टार्ट करना है। तो PCT का मतलब और लड़के क्या करते हैं, PCT ख़त्म करके एकदम से वापस से साइकिल पे आ जाते हैं। और बहुत सारे ट्रेनर्स भी यह बात बोल देते हैं उन्हें कि भाई PCT पूरी बॉडी वॉश हो गई है, तो अब तो ये सब चीज़ें वापस स्टार्ट करें। लड़का पूरे साल साइकिल पे रहता है, साइकिल करता है, PCT करता है, साइकिल करता है, PCT करता है, उससे क्या होता है उसके अंदर की जो हेल्थ है वो सब उसके ऑर्गन डैमेज होने शुरू हो जाते हैं और एक दो साल बाद बस डॉक्टर कहीं पर चक्कर काटता है। ऐसे मैंने बहुत लड़के देखे हैं, यहाँ पर आते हैं मेरे पास भी आते हैं लड़के और बताते हैं कि भैया ऐसे ऐसे हमने पूरे साल किया तो मेरे लीवर किडनी या कुछ भी चीज़ें उनकी खराब हो जाती है, फिर उनको डॉक्टर के ही चक्कर काटने पड़ते हैं। इवन वर्कआउट करने में उनको 10 बार सोचना पड़ता है कि वर्कआउट स्टार्ट करने में भी लड़का उनके घर वाले पेरेंट्स भेजना बंद कर देते हैं जिम में। तो सबसे पहला तो यही है कि आप अगर ये करते हैं तो आप जितना आपका लंबा साइकिल है, समझिए आपने 12 हफ्ते का साइकिल किया है और आपने PCT किया है, तो 12 हफ्ते के साइकिल और PCT का जो टाइम है मिला करके उतना आपको गैप बीच में ज़रूर देना है। अगर आप लगातार सब चीज़ें करेंगे तो आपका बॉडी बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। और जब आप एनाबॉलिक का यूज़ करते हैं तो चौथी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि आपका जो थोड़ा मेडिसिन होता है उसको आपके लीवर पे किडनी पे आपके इफेक्ट डालता है, तो आपको जो लीवर किडनी के प्रिकॉशन की जो मेडिसिन होती है आपको साथ में वो ज़रूर यूज़ करनी है। और बहुत सारी चीज़ें आपके हॉर्मोन्स के लिए जो मेडिसिन साथ में प्रिकॉशन की होती है वो आपको साथ में ज़रूर यूज़ करनी है। आपको ऐसे ही कोई भी चीज़ उठा करके बॉडी में डालेंगे तो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जो तो उनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनको जो कम करने वाली मेडिसिन साथ में ऐड होती है वो आपका ट्रेनर अगर को उसकी अच्छी नॉलेज है तो आपको वो रिकमेंड करेगा कि आपको साथ में लेना है। तो वो सब चीज़ें आपको यूज़ करके ही एनाबॉलिक्स का यूज़ करना है। अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, मैं 10 बार ये बात बोल चुका हूँ, अगर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं तभी आप इसका यूज़ करें, अदरवाइज एक छोटे से फोटोशूट के लिए आप इसका यूज़ बिल्कुल भी ना करें। तो और एक जो है, जब आप इस एनाबॉलिक साइकिल पे होते हैं तो अपना वाटर इनटेक क्या है वो बहुत हाई रखें, कम से कम दिन में 4 से 5 लीटर कम से कम आपको पानी पीना है। बहुत लोग क्या करते हैं, वाटर इनटेक पानी नहीं पीते, उनको लगता है कि पानी जो बॉडी के अंदर होल्ड होगा तो पानी कम कर देते हैं, बट पानी और फैट का कोई आपस में लेना देना है, पानी आपको पूरा पीना है। कॉम्पिटिशन जब आपका पास आता है तो 2 या 3 दिन पहले बॉडी बिल्डर्स पानी बंद करते हैं, तो आप लड़के क्या करते हैं 10-10 दिन पानी छोड़ देते हैं, 10-10 दिन नमक बंद कर देते हैं। अगर अच्छे सुपरविजन में ट्रेनिंग करो, अच्छे सुपरविजन में रहो, अच्छे कोचेज जो बड़े बड़े कोचेज हैं इंडिया के अंदर उनके पास जाकर के गाइडेंस लो। लड़के सबसे पहली बात तो क्या, सबको फ्री में सब कुछ करना है। अगर आप अच्छे ट्रेनर को हायर करेंगे वो आपसे पैसे कहेगा कि मेरी जो चार्ज है वो, क्योंकि वो एनाबॉलिक्स बेच करके तो पैसे कमाएगा नहीं, क्योंकि उनकी अपनी रेपुटेशन होती है, वो 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये नहीं बेच सकते, तो वो क्या करते हैं अपना एक चार्ज होता है उनको, जो आप पे करेंगे तो वो आपको आगे गाइड करेंगे। तो लड़के क्या है इस लालच में कि भाई ये पैसा देना पड़ेगा, वो अपने आप से ही किसी नौसिखिए के अंडर ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं और फिर उसका नुकसान उठाते हैं। अपना वाटर इनटेक आपको बहुत अच्छे से रखना है, ठीक है। सोडियम आपको नहीं कट करना है, 10-10, 15-15 दिन 1-1 महीने के लिए सोडियम जो कट करते हैं वो बिल्कुल बेवकूफ़ी का काम है, वो आपको नहीं करना है। पानी आपको कॉम्पिटिशन से 2 या 3 दिन पहले ही कट करना है, वो भी कट करना है एकदम से, बिल्कुल 0 पानी नहीं करना है आपको। मतलब अब तो नई नई चीज़ें आ गई हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गए, नए नए कोचेज बाहर के कोचेज यहाँ पे आकर के अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, तो अब तो बहुत ही पहले हुआ करता था, बट अभी ये सब चीज़ें बदल गई हैं। अगर आपको अपनी केवल ट्रेनिंग हार्ड करो, जितनी आप ट्रेनिंग हार्ड कर सकते हो ट्रेनिंग हार्ड करो, डाइटिंग आप अपनी बहुत अच्छी डाइट रखो, डाइट आपको ख़राब नहीं करनी। अगर आप डाइटिंग और वर्कआउट हार्ड रखेंगे तो आपको इन सब चीज़ों की बाद में बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपकी स्किन वैसी बहुत ड्राई रहेगी। तो पहली बात तो ये है, अब मैंने ये जो वीडियो बनाया ये बनाया था मैंने केवल ये बताने के लिए कि आपको स्टेरॉइड का यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आपको स्टेरॉइड का यूज़ तब करें केवल अच्छे सुपरविजन के अंदर, अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो, कोई खिलाड़ी हैं आप। और दूसरी बात जो इसके प्रिकॉशन थे, तो मैंने 4-5 चीज़ें आपको बताई हैं, अगर आप स्टेरॉइड फिर भी यूज़ करते हैं, आप खिलाड़ी हैं कोई, तो आप इन चीज़ों का खास ध्यान रखें कि अपने रूटीन चेकअप ज़रूर कराएँ, अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखें, साइकिल को जितना आप जितना लंबा साइकिल यूज़ करते हैं उतना गैप जरूर दें बीच में, और जो प्रोफेशनल अंडर के अंदर में ये सब चीज़ें करें। तो बस यही था इस सब के लिए, और मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आप स्टेरॉइड यूज़ करते हैं और आपको उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट में कैसे आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। रिवर्सेबल बहुत सारी चीज़ें क्या हैं जो रिवर्सेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें रिवर्सेबल नहीं हैं। अगर आपकी किडनी डैमेज होती है रिवर्सेबल नहीं है, लीवर डैमेज होता है आप उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन स्टेरॉइड का यूज़ आप फिर आगे नहीं कर सकते हैं। तो स्टेरॉइड बहुत अगर अच्छी तरह से यूज़ करें तो थोड़ा फ़ायदा दे सकती है आपको, वो भी स्पोर्ट्स के अंदर। अगर आप जनरल फिटनेस के लिए करते हैं तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है इसको यूज़ करना। तो थैंक यू, आज का ये वीडियो था।